फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके लिए इंडिया में ही मिलने वाले अम्ब्रेन के काफी सस्ते एयरफोन्स लेकर आई हूं, जिनकी ऑडियो उनके प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी है। दोस्तों, अम्ब्रेन के पावर बैंक्स के बारे में तो हम सबने ही सुना है, अब इस कंपनी ने एयरफोन्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह है अम्ब्रेन वाइब बीट्स ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ एयरफोन्स, जो माइक्रोफोन के साथ आते हैं। यहाँ एक प्लास्टिक कवर में एक छोटा सा एबीएस प्लास्टिक से बना एक ब्लैक मैट फिनिश बॉक्स मिलता है, जिसपे अम्ब्रेन की ब्रांडिंग की गई है। नीचे के सरफेस पे ट्रू वायरलेस एयरबड्स के साथ इन एयरबड्स का मॉडल नंबर लिखा आता है। इधर साइड में एक कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको एक चार्जिंग यूएसबी केबल और कुछ डिफरेंट साइजेस की एयर टिप्स रखी मिलती है। बॉक्स के अंदर आपको ये दो एयरबड्स रखी मिलती है, जिन्हें एयरपॉड्स से मिलता जुलता बनाया गया है। ये एयरबड्स भी ब्लैक मैट फिनिश में ही आती हैं, जिन्हें हाई ग्रेड एबीएस प्लास्टिक से कंस्ट्रक्ट किया गया है। एयर टिप्स को सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल से बनाया गया है। देखने में ये एयरबड्स काफी एलिगेंट है। बॉक्स में मैग्नेटिक एब्जॉर्प्शन दिया गया है, जो इन एयरबड्स को बॉक्स में फर्मली रखता है। इन एयरबड्स की इन एयर ग्रिप काफी अच्छी है, जॉगिंग या रनिंग करते समय भी ये फर्मली आपके कानों में लगे रहते हैं। इन एयरबड्स को IPX4 वाटरप्रूफ बनाया गया है, जिससे ये स्वेट और स्प्लैश प्रूफ है। जिम में हैवी स्वेटिंग करते समय भी ये अच्छे से काम करते रहे। केवल MFP को टच करके आप कॉल मैनेज, सॉन्ग प्ले पॉज, वॉल्यूम कंट्रोल और वॉइस असिस्टेंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका टच काफी सेंसिटिव है। इन एयरबड्स में CVC 8.0 नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बहुत हद तक बाहर की नॉइस को कैंसिल कर देती है। कॉल क्वालिटी इन एयरबड्स में आपको क्रिस्टल क्लियर मिलती है, दूसरी ओर भी आवाज क्लैरिटी के साथ ही जाती है। जब मैंने इन्हें अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप से ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट किया तो कोई ऑडियो लैग मुझे नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने अपने टीवी से इसे वायरलेसली कनेक्ट किया तो ऑडियो में लैग दिखा। इन एयरबड्स में क्वालकॉम QCC 3020 चिपसेट के साथ APTX टेक्नोलॉजी दी गई है, जो ब्लूटूथ के जरिए ट्रैवल करने के बाद भी साउंड की क्वालिटी को खराब नहीं होने देती है। इन एयरबड्स में आपको बहुत बढ़िया बेस नहीं मिलता है, लेकिन ऑडियो काफी अच्छी है। ट्रेबल और बेस में से मुझे ट्रेबल थोड़ा डोमिनेटिंग लगा। साउंड में काफी क्लियरिटी है, इसमें आपको HD स्टीरियो साउंड मिल जाती है। वोकल्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ओवरऑल पैसे के हिसाब से मुझे ये एयरबड्स काफी अच्छे लगे। आप इन पे म्यूजिक डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है, जो कम पावर कंज्यूम करता है और कनेक्शन स्टेबल रहता है। इन एयरफोन्स की बैटरी कैपेसिटी 40 mAh की है और बॉक्स की 500 mAh है। एयरबड्स की बैटरी लाइफ चार्जिंग केस के साथ 30 घंटों की है। मैंने इन एयरबड्स को एक बार में लगातार 4.5 घंटों तक यूज किया है। इनकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी है। इसमें सी टाइप चार्जिंग दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इन्हें फुली चार्ज होने में 1.5 घंटा लगता है और इतना ही टाइम इस बॉक्स को फुली चार्ज करने में लगेगा। ये एयरबड्स गूगल असिस्टेंट और सीरी दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। अगर बाई चांस आपका एक एयरबड काम नहीं करे तो आपको इन्हें रीसेट करना होगा। रीसेट का प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले इन्हें अपने कनेक्टेड डिवाइस से फॉरगेट कर दीजिए, फिर इन्हें चार्जिंग बॉक्स में वापस रखकर दोनों MFP को 8 से 10 सेकंड तक दबाए रखिए। ये ध्यान रखिएगा कि बॉक्स चार्ज्ड हो। इस प्रोसीजर द्वारा आप इन एयरबड्स को रीसेट करके दोबारा अपने डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इन एयरबड्स पे आपको 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।